यार मैं चाहता हूँ कि मतलब ना आज अपन गोवा को पूरा नहीं, पूरा गोवा तो घंटा अपन घूम ही नहीं पाएंगे, पर है ना आज अपन गोवा को एक्सप्लोर मतलब है ना फील करते हैं। यहाँ पे लोगों का व्यवहार वैसे समझ में तो आ चुका है, कुछ लोगों का अच्छा है, कुछ लोगों का पूरा ख़राब है। हेल्पिंग नेचर तो मुझे यहाँ पे मिला, पर यहाँ पे जो दुकानदार है, जो होटल्स होते ना, इनका लूटने का नेचर भी है, हेल्पिंग नेचर भी। यहाँ लोगों का बहुत हेल्पिंग नेचर है यार, मतलब बहुत हेल्पिंग नेचर, बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे। बहुत जगह पे ऐसे ऐसे मोमेंट आए ना जहाँ पे मैंने हेल्प मांगी कुछ भी ना, तो सबने बड़ा प्यार से समझाया। दारू की शॉप तो यहाँ दबा दबा के, जहाँ जाओगे वहाँ दारू ही दारू। क्या हाँ देखते हैं सामने, अच्छा रहा पता है। डिंचिक पूजा आज तक गोवा नहीं आई, पर ना वो गोवा आई होती तो अभी तक दारू पे भी गाना बना चुकी होती। दारू मैंने पी ली यार, सेल्फी बाद में मैंने नी ली यार, क्योंकि मुझे चढ़ गई थी। बनाई है ना दारू? अच्छा दारू पे बना चुकी हूँ। बना दी। उसने ऐसा कुछ तो नहीं बनाया था ना कि मतलब दारू मैंने पी ली यार, सेल्फी अब मैं नहीं लूंगी यार, क्योंकि मुझे चढ़ गई यार। क्या हाँ तो होगा, कोई बड़ी बात तो नहीं ना। यहाँ हमने पानी का जो व्यू देखा ना कल रात में, वहाँ पे ना कल रात में हम कुछ भी मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे सबके मोबाइल डिस्चार्ज थे, बहुत बुरी हालत में थे। रात में 2 बजे तक हमने होटल ढूंढी, रात में 8 बजे से लेके 7-8 घंटे होटल्स मिली नहीं। तो बाद में हमने ना बाज़ारों में फिर रहे थे, तो हमने क्रूज़ देखे, बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना जो पानी में चलते रहते हैं रात दिन, मज़ेदार थे। उन क्रूज़ पे भी कैसीनो था, उन पे मतलब सट्टा खेलने की जगह है, कॉइन वाला कोई सिस्टम होता है ना जो फिल्मों में देखा हो, यहाँ गोवा में चलता है, यहाँ लाइसेंस वाला सिस्टम है। वैसे अपने कैसीनो पूरे हिंदुस्तान में अलाउ नहीं है, पता दूसरे स्टेट्स में ऐसा अलाउ नहीं है। गोवा को पूरे हिंदुस्तान ने ना, हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी, उन्होंने पूरी छूट दी हुई है। गोवा में दारू पियो जाके जितना पीना है, कोई टेंशन नहीं है। हमने आपके लिए चालान फाड़ने लिए पुलिस छोड़ दी है, जो करना है कीजिए। पता नहीं यार, देखेंगे सब बाद में, अभी फिलहाल तो फिलहाल सबसे पहले बागा बीच पहुंचना है यार। वैसे मेरी लोगों से बात हुई है, पता है लोगों ने बोला है कि यहाँ पे ना बागा बीच या कलंजूर जो बीच है ना, वो कलंगुट जो बीच है और बागा जो बीच है ना, वो शाम में 5 बजे बाद दबा के चलता है बहुत स्पीड से, क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें शुरू में बोली थी एक बात, जब इस एडवेंचर में अपन निकल रहे थे कि ये एडवेंचर, क्या बोला था मैंने, ये नहीं ये तो बोला ही, इसके अलावा ओम ये जो एडवेंचर है आने वाले एडवेंचर होने वाले, उनके लिए अपनी काबिलियत बताएगा ये, और अपन कहने के माइनस में जा रहे हैं। तुम्हें पता है उससे भी, वैसे तो अपन अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचे ना तीनों, तो अपन तीनों बहुत अच्छे हैं लाइक के हिसाब से। हाँ तुम दोनों की थोड़ी भूलने की इश्यूज है, और कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल बातें हैं यार, पर जनरली ना मतलब माइनस में इसलिए जा रहे हैं कि लाइक ये छोटे मोटी चीज़ें ना, जैसे अपन बाइक का मैनेज नहीं कर पाते, ये लाइसेंस हो गया, या मतलब गाड़ी अपने नाम पे नहीं है, वो भी संभल जाती है, पता है अपना व्यवहार पुलिस वाले दिखते तो समझ जाते कि नहीं गाड़ी इन्हीं की है, उन्हें हो जाता है डन, ठीक है। पर दिक्कत ये आ गई कि हेलमेट नहीं है, और तीन लोग बैठना तो मजबूरी है, हेलमेट ना पहनना की मजबूरी एक अलग है, वो मजबूरी कोई समझ नहीं सकता और मैं समझा नहीं सकता। हाईवे पे पीछे से गाड़ियाँ आती है, इतनी भयंकर निकलती है ना बाहर से, पता भी नहीं चलता, और हेलमेट में क्या आवाज़ नहीं आती, और ना पीछे मुड़ सकते हैं, आईने में सही तरह से समझ में नहीं आता, अचानक ही आ जाती है, मुंह घुमा के कंफर्म करो पीछे, बाद में गाड़ी मोड़ो इज द बेस्ट मेरे हिसाब से। अब ये दोनों चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, और अब इन्हीं पे मतलब दिक्कत होती है।
कितना किलोमीटर और है हम? 6.5 और है। पैदल चलना तो अपनी पुरानी आदत है। कितना चले? बहुत चले। वैसे बागा बीच थी अपन एक बार पहुंच गए ना, तो बागा बीच के आसपास ही सारे एडवेंचर स्पॉट्स हैं ज्यादातर। आज अपन ने 5-6 एडवेंचर स्पॉट भी निपटा दिए ना, तो ये अपना बोनस पॉइंट हो जाएगा कि आज अपन कंफर्टेबल जोन में बिल्कुल भी नहीं है। आज अपने साथ सुबह जो पुलिस वाला मैटर हुआ वो भी सही नहीं हुआ अपने साथ, और ना पुलिस वाले वो सर जो थे अपने समझे, वो उनका अपना रामायण चल रहा था कि फाड़ के रहेंगे 7-8 हज़ार तुम्हारा, फाड़ के रहेंगे 7-8 हज़ार तुम्हारा। अरे आप तो फाड़ दोगे सर, पर हम कहाँ से देंगे सर? होना भी तो चाहिए देने के लिए यार। अरे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं संभाल के बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं पानी देना थोड़ा यार। कितने किलोमीटर है हम? 7 पॉइंट। कोई बात कोई बात उसे छोड़ना तू बोल ना। अरे मैं अरे हंसते हंसते बोल तू लफड़े नहीं नहीं तू एकदम से बोल तो मैप तो देखा तो है, मैप कितना दिक्कत कर रहा है। अरे वो तो मैं समझ रहा हूँ तेरी बाप, तेरा रास्ता चल रहा उसने नहीं देखा, तू उल्टा चल रहा था, वो पीछे चल रहा था तेरे। बता ना 6.1 है, 6.1 है ना, 6 किलोमीटर और बचा है ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। तुम्हें पता है ये जूते उतारने में बड़े इजी होते हैं यार, मेरी लेस कितनी भी टाइट होती है ना, मैं किसी भी तरीके से कुत्तों की तरह मतलब होता ना बेकार तरीके से उतारूंगा ना, इतना आसानी से उतर जाता है ना। और इसी जगह जो मेरे वो बड़े वाले जूते हैं ना जिसमें ऊपर लेसअप होता है, वो बड़े ये भी नहीं उतरते आसानी से, ये इतने सॉफ्टली उतरते हैं, इसका डर भी नहीं होता कि पीछे वाला हिस्सा खराब हो जाएगा। एक जूते थे मेरे पास एक टाइम पे, जो पीछे वाला हिस्सा जो पीछे वाला जो हिस्सा था ना वो खराब हो गया था, खोल खोल के पीछे से बुरबुरे निकल गया था, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ। अच्छा मैंने अभी एक बात बोली थी उस पर, क्या है कैसा क्या है, 2 दिन बाद निकल जाए यहाँ से? मेरे माइंड में ना कुछ आइडिया आया था जो मैंने इन्हें बताया है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यार थोड़ा सा स्पीड लो यार पैदल चलने में यार, प्लीज यार, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम, वो जो बोलते हैं ना टाइम इज मनी, टाइम सच में पैसा है, पर वहाँ बारिश वाला मौसम नहीं है तो वहाँ मज़ा आएगा क्या? पचमढ़ी सतपुड़म, हाँ और उससे क्या होगा? थैंक यू सजेशन के लिए, थैंक यू सजेशन के लिए। दिमाग को किसी दूसरे तरीके से चला। मेरे माइंड में भी एक चीज आई थी जो मैंने इन दोनों से शेयर भी की है, मतलब हमें यहाँ गोवा में 7-8 दिन 10 दिन रुकना था, पर उससे बदल के मैंने 2 दिन कर दिया आज से, अभी जस्ट चलते चलते ही। और मैंने बोला कि बैतूल कितना दूर है यहाँ से, बैतूल MP में पड़ता है, वो यहाँ से ये बता रहे कि 966 किलोमीटर दूर है। 966 वैसे ही 1500 किलोमीटर तो आए हैं, 966 चले जाएंगे। और बैतूल के पास ही है ना सतपुड़ा पचमढ़ी वाला बहुत अच्छा एडवेंचर एरिया है, तो मैंने सोचा कि वहाँ चलते हैं, बचे हुए पैसे जितने 20-22 हज़ार की फंडिंग पड़ी वो फंडिंग वहाँ काम आ जाएगी। तो इनका सजेशन अभी हाँ या ना, ना हाँ ऐसा ही चल रहा है, देखो क्या होता है। यदि डन होता है तो हम 2 दिन बाद यहाँ से बैतूल निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का मुझे लगता है कि जो मैंने अभी ऑफ द वीडियो जो मैंने अभी इनसे शेयर किया था ना अपनी बात, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में मतलब लाइक हम तीनों क्या बहुत नॉर्मल फंडिंग वाले इंसान हैं, थोड़ा सा कमाते हैं उसमें से इन्जॉयमेंट भी करते हैं, गाड़ियों का पेट्रोल भी चलाते हैं और सब कुछ मैनेज करते हैं, और गाड़ियों की रिपेयरिंग ये वो ये पता नहीं क्या क्या फंडा है ना। अभी तक हम तीनों अपनी अपनी गाड़ी ले पाए ना, मतलब कुछ भी स्पेशल नहीं कर पाए उस टाइप का, घूमने में तो हमने तीनों ने बहुत स्पेशल चीज़ें की है, तो बस वो चीज़ें हम मेरा मतलब कि हम डिपेंड मेरे मुझे लगता है कि हम यहाँ आ जरूर गए गोवा, वो भी इतने लंबे ट्रिप से कि लाइक है ना 1500 किलोमीटर कोई गाड़ी चलाएगा ना तो मर ही जाएगा, ऐसी हालत है।
बहुत टफ होता है, आसान नहीं है। 1500 1600 1600 से भी ज़्यादा चला ली होगी मैंने गाड़ी, पता नहीं कितनी चला दी मैंने, 1600 से ज़्यादा चला दी मैंने गाड़ी, दो ढाई हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला दी मैंने। दारू पूरे गोवा में दारू है, सब तरफ यही है दुकान है बस। यहाँ नॉर्मली मकानों के सामने भी दारू की दुकान है, जो अदर स्टेट्स में इतना अलाउ नहीं होता, क्योंकि मतलब होता है दारू की दुकानें थोड़ी साइड में रहती है ज़्यादातर स्टेट्स में, और बच्चे कुछ स्टेट्स में नॉर्मली नॉर्मल होटलों के बीच में यहाँ वहाँ रह जाती दारू दुकान, ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ तो हर रोड मोड़ कोई चिंता ही नहीं है। लोगों के मुझसे मैंने बहुत पहले सुना था कि मतलब है ना गोवा है ना, गोवा मतलब दारू, और मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो तो मुझे भी पता नहीं, मुझे भी अभी हमें ना अपनी होटल से लेके बागा बीच 8 किलोमीटर का सफर तय करना है, वो भी पैदल, मजबूरी, हम गाड़ी लेके नहीं आ सकते हैं क्योंकि गाड़ी इस बार पुलिस वालों ने रोक ली ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। उनके सवाल जो रहते हैं उन सवालों के जवाब हमारे तिरछे तिरछे होते हैं, उन्हें तिरछे जवाब पसंद नहीं आते, मतलब उन्हें तिरछे के उन्हें सीधे भी पसंद नहीं आते, वो चालान फाड़ के मानेंगे, और चालान की फंडिंग हमारे पास सच में नहीं है यार। यदि उन्हें दे देंगे पैसा 8-10 हज़ार तो हम करेंगे क्या जब यार, इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ो, इतने महीने काम करो, बाद में जोड़ो, बाद में घूमने का प्लान बनाओ, इसका मतलब हम क्या समझे कि विदेशी आके बस हिंदुस्तान में घूम सकते हैं, हम क्या करेंगे इंडियंस यार। तो चलो इन सब मुद्दों पे मुझे क्या बोलना, चलो छोड़ो ये सब, तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो चलता रहेगा हर किसी इंसान में, कुछ नया। हम घूमते थे, घूमते हैं और घूमते रहेंगे, यही लाइफ है। ओम सुनना, हाँ वो लेस तो खुल रहा है, छोड़ दो उसे। हाँ सुनना यार, अपने को बैतूल नहीं जाए, अपन पचमढ़ी सतपुड़ा बारिश वाले मौसम में जाते मान ले, क्योंकि राइड्स तो पचमढ़ी सतपुड़ा में मिल जाएगी अपने को, राइट राइड्स हैं वहाँ पर, वो सब स्टाइल ड्राइविंग ये सब है जितना मैंने सुना है जिस हिसाब से पचमढ़ी सतपुड़ा में, ठीक है मान ले, कन्फर्म नहीं हो पर है राइड्स लेने का मन था ना तुम्हारे यहाँ पर, बिल्कुल वो तो अभी भी ले सकते हैं, आजकल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मान ले यदि अपन पचमढ़ी सतपुड़ा अभी ना जाए पानी की वजह से, क्योंकि पानी का वैसे तो वहाँ अभी भी पानी आ रहा होगा पर वहाँ इतना तेज़ नहीं आ रहा होगा जितना बारिश मौसम में आता है, पर यदि मान ले अपन वहाँ ना जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अपन फंडिंग से अपन ऊपर नहीं जा रहे, जितना अपने फंडिंग सोचा था ना उसी फंडिंग में ही अपन इन्जॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है तो 45,000 में से 14,000 तो उड़ चुके हैं, बचे 31,000 रुपये, 31,000। लुनावला खंडा जाने का कोई मतलब नहीं है, शिमला चलेंगे नहीं बस, शिमला के लिए 31 कम पड़ेंगे ना। अरे मैं क्या बोलता हूँ, कितने हैं वो यहीं पे कर लेते हैं गोवा में, बाकी काम तो करना ही है। हाँ काम सीधे अपने अभी 3-4 दिन यहीं स्टे कर लेते हैं, 3-4 दिन के 6-7 गाड़ी की दिक्कत हो रही है, गाड़ी का दिक्कत हो रहा है यहाँ पे कि लाइक सिग्नल रास्ते पतले हैं यार यहाँ पे, यहाँ के रोड हाईवे जैसे रोड नहीं है, मतलब हाईवे भी छोड़ो एक शहर में जो रोड होते हैं ना एक नॉर्मली वो से वैसे रोड नहीं है यहाँ पे, कि लाइक पुलिस वालों से थोड़ा सा बचा जाए, मतलब यहाँ बिल्कुल ही चांसेस नहीं कि बच पाएंगे, यदि 10-15 किलोमीटर में एक सिग्नल पे वो खड़े हैं ना तो वो आराम से बोलेंगे आओ बेटे आ जाओ हम तुम्हें बताते हैं, आओ हम तुम्हारा चालान फाड़ के बताते हैं, वो फाड़ देंगे। और कहीं जाने का मूड नहीं है तो। कहाँ से? अरे मतलब एक अपना लास्ट स्टॉप यहाँ था ना, यहाँ से कहीं और निकलना अलौड़ा खाली दो मूड नहीं है। मूड को है ना साइड में रखो, मूड वहाँ पे बनाना जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, ठीक है अभी अपने अंदर डिसीजन लेने की हिम्मत लाओ, डिसीजन लेने की, ठीक है चलना का थोड़ा। अरे यार मैं बैतूल डिसीजन आसानी से दिया क्या, पहले तो उससे मैंने मैप पे नपवाया ना कि कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से, तब लिया ना डिसीजन मैंने,
वैसे तो अपन ने गोवा का कोई भी हिस्सा घूमा नहीं अभी, अपन अभी बागा बीच जाएंगे तो वहां से अपने को एडवेंचर के बारे में पता चलेगा कि कैसा कैसा दिखता है व्यू, क्या क्या है। तो अभी मुझे कुछ भी बोलना है या वो सही नहीं लग रहा, तो मैंने बेहतरी के मुद्दे बात कर ली तुमसे। यहाँ पे ना गोवा में ना एक इश्यू बहुत बड़ा है, ये पानी के किनारे पे बसा हुआ है पूरा, मतलब शहर है ना, तो यहाँ पे ना दो टाइप की गर्मी होती है, एक गर्मी तो धूप वाली जो बहुत भयंकर होती है, और दूसरी यहाँ पे होती है पसीने वाली गर्मी। मतलब यहाँ पसीना बहुत तेज आता है बॉडी पे, इतना पसीना आता ना कि मतलब हुमस, समुद्र के पानी की वजह से सब तरह हुमस ही हुमस है। मैंने यहाँ नोट डाउन किया है कि हर मकान में ऐसी ऐसी लगी हुई है, कोई रेयर ही ऐसे, यहाँ तुम्हें कोई ऐसे रेयर मकान दिखे जिनमें ऐसी ना हो? सब मकानों में ऐसी है क्या, है ना? मैंने मुझे जनरली मैंने जितने मकान देखे ना, मुझे उसमें सब में ऐसी ऐसी दिखी। चलो फिलहाल आजकल तो एंजॉय लो घूमने का, ठीक है। इस वाली होटल में अपने पास कल तक का समय है, 11 बजे तक का, ठीक है। कल तक का पेमेंट निपटा दिया है अपने। कितने किलोमीटर बचे हो मोर? 5.3। अभी हम जहाँ चल रहे हैं ना तीनों, वहाँ से बागा बीच 5.5 किलो, मतलब 5.3, मतलब 5 किलोमीटर और है बस, 5 किलोमीटर के बाद हम बागा बीच पहुँच जाएंगे। चाय पियोगे? चाय, एक चाय पिला दो। मेनू क्या? पाँच कप में पीने में मज़ा आता है। मोरियम श्योर